नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको एक बहुत ही रेयर मुर्गा दिखाते हैं। ये मुर्गा आप देख रहे हो, इसको कहते हैं कड़कनाथ और इसे काली मासी भी कहते हैं, क्योंकि इसका मांस, इसका मीट जो है वो काले कलर का होता है। ब्लैक चिकन भी इसे बोला जाता है और ये इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और इंडोनेशिया में इसे कहते हैं आयाम चेमानी। ये इंडियन ब्रीड है जो कि अंडे और मीट के लिए यूज होती है और ये नेटिव है झबुआ मध्य प्रदेश की। इसका जो मेल है, जो मुर्गा है, वो 1.8 से लेके 2 केजी तक होता है और फीमेल 1.2 से 1.4 केजी तक होती है। इसका स्किन ग्रे ब्लैक होता है और अंडा इसका क्रीम कलर का होता है। 45 ग्राम वजन होता है उसका। तीन वैरायटीज पाई जाती हैं इसकी, जेट ब्लैक, गोल्डन और पेंसिल्ड। और इसके ऊपर देखिए आप, इसका जो ये फर देखेंगे, पंख देखेंगे, इस पर हरी सी एक झलक मिलेगी, हरा सा कलर रिफ्लेक्ट होगा, ये इसकी पहचान है। और इस मुर्गे में फैट का कंटेंट बहुत कम होता है, 0.73 से 1.03%, जबकि नॉर्मल जो चिकन होता है उसमें 13 से 25% फैट होता है। इस मुर्गे को GI टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, 30 जुलाई 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। और कृषि विज्ञान केंद्र झबुआ जो है वो इसके पालन में और इसकी बढ़ोतरी के लिए बहुत काम कर रहा है, क्योंकि ब्रीड एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म होती जा रही है। इसका जो काला कलर है ये बेसिकली मेलानिन एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से है। और छत्तीसगढ़ का ये नेटिव है, बिल्कुल एडेप्टिव मुर्गा है, ये बीमार नहीं होता, कोई इसको जल्दी बीमारी नहीं पकड़ती, तो बहुत ही स्ट्रांग है। और खाया जाता है ये विगर वाइटलिटी के लिए, काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी स्फूर्ति ला देता है ये अगर इसका मीट खाया जाए। और सिंस ये बीमार नहीं होता तो इस पर ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ नहीं होती, तो ये बिल्कुल देसी मुर्गा समझो, बहुत ही बढ़िया है सेहत के लिए। इस मुर्गे में आप ये देखो कि इसकी पैर जो है, आप देख रहे हैं लेग्स इसकी, ये ग्रे ब्लैक टाइप की लेग्स हैं और इवन इसके नाखून ग्रे ब्लैक हैं। और चोंच इसकी देखेंगे वो भी ग्रे ब्लैक होगी, इसकी टंग, जीभ वो भी ब्लैक है और इवन अंदर जो ऑर्गन्स हैं इसके वो भी ब्लैक कलर के हैं। और ये काफ़ी ब्रीड एक्सटिंक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी काम कर रही है इस ब्रीड को बचाने की और बढ़ाने की। धन्यवाद दोस्तों।